जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे यूरोप के बारे में। हमारे इंडिया से इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया एंड इंडिया का नेबरिंग कंट्री से ज़्यादा लोग आजकल यूरोप में काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में मैन पावर शॉर्टेजेस के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज फिलहाल यूरोप, एशिया एंड मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्री से रिक्रूट करते आ रहे हैं। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यूरोपियन यूनियन में अगर आप काम करना के लिए चाहते हो, काम करने के लिए जाना चाहते हो, तो कौन से कंट्री में मिनिमम वेजेस क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, कितने सारे कंट्रीज होते हैं यूरोपियन यूनियन में। 27 कंट्रीज है इन द यूरोपियन यूनियन। यूके को छोड़ के यूके फिलहाल अलग हो चुका है। तो 27 कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का 27 कंट्री है, उनका अलग अलग कंट्री में उनका अलग अलग इकोनॉमी है। इकोनॉमी के वजह से उनका सैलरी फिक्स नहीं है। जैसे कि आपको एग्जांपल इन बल्गेरिया, बल्गेरिया में मिनिमम जो सैलरी है बल्गेरिया में 399 फॉर ए लेबर। अगर जैसा कि इंडिया में, हमारे इंडिया में मिनिमम सैलरी पर डे लेबर का अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस रहता है। जैसे कि आप मुंबई में आपको पर डे 1000 रुपीज़ मिलेगा, तो बिहार में आपको कम पैसा मिलेगा, 500 मिल सकता है, 400 मिल सकता है पर डे। वैसा ही यूरोपियन यूनियन में अलग अलग देश का उनका अलग अलग वेजेस सिस्टम है, डिपेंड करता है उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। तो सबसे ज़्यादा पे करने वाला कंट्रीज हो गया स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड। ये जो कंट्रीज है तो ज़्यादा से ज़्यादा पे करते हैं सैलरी, उनका जो मिनिमम सैलरी रहता है। जैसे कि आपका बल्गेरिया के बारे में बात किया, बल्गेरिया में मिनिमम सैलरी है फॉर ए टू ए लेबर, लेबर या कोई भी काम करने को जाओगे पर डे में, एक दिन का सॉरी पर मंथ का जो पैसा है 399 यूरो। बल्गेरिया में 399 यूरो जो है मिनिमम सैलरी है फॉर ए लेबर, फॉर ए वर्कर पर मंथ। वैसा ही अगर लग्जमबर्ग जो हाईएस्ट पे करता है तो उनका 2800 अप्रोक्सीमेटली 2800 यूरो पर मंथ होता है। वैसा ही जर्मनी का अलग है, स्विट्जरलैंड का अलग है, फिनलैंड का अलग है। तो इस्तोनिया, स्कैंडिनेवियन कंट्री बता दिया, इस्तोनिया, लाटविया वगैरह कंट्रीज है, वहाँ पर 1000 यूरो है। तो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग प्राइसेस है, सैलरी वेजेस सिस्टम है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ कौन सा कंट्री कितना पेमेंट कर रहा है लेबर को पर मंथ। मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। मैं आपको लिस्ट करके बता दिया कौन से कंट्री कितना पे कर रहा है पर मंथ। तो सबसे लोएस्ट सैलरी देने वाले कंट्री बता दिया, बल्गेरिया हो गया एंड रोमानिया, बल्गेरिया एंड हंगेरी जो कंट्री है ये सबसे ज़्यादा लो पे करते हैं। पोर्चुगल भी लो पे करता था, लेकिन पोर्चुगल का सैलरी थोड़ा बढ़ चुका है। और सबसे हाइस्ट पेमेंट सैलरी पे करते हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, जो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पे करते हैं। और कम सैलरी पे करने वाला कंट्रीज हो गया बल्गेरिया, हंगरी, स्लोवेकिया एंड रोमानिया कंट्रीज है। तो मैं लिस्ट बता दिया, अब लिस्ट के हिसाब से अगर आपको यूरोप में जॉब एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, तो कंट्री के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। और अलग अलग देशों के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आपको नौकरी मिलेगा इन फिनलैंड, हाउ टू फाइंड जॉब इन रोमानिया, अलग अलग देशों का मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर वीडियो सीरीज आपको देखना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना है, मेरा पूरे वीडियोस देखना है, तो आपको हमारा इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, हमारा पूरा वीडियोस का लिस्ट मिल जाएगी। तो आप हमारा वीडियो चैनल में जाकर अलग अलग देशों का वीडियो देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब, एजुकेशन, इमिग्रेशन रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।